मेरा एक सवाल था अरविंद जी पिछले कुछ दिनों से खास करके इस चुनाव में ये शब्दों को सुना हम लोगों ने रेवड़ी रेवड़ी शब्द मिठास लाती है अहमदाबाद में तो रेवड़ी बाजार भी है जब रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल होता है तो क्या वो शब्द अरविंद केजरीवाल को चुपता है मीठा लगता है कड़वा लगता है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस देश के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा हो क्या उसे अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होना चाहिए मिल तो रहा है अगर बच्चा पैदा हो चाहे गरीब से गरीब का बच्चा पैदा हो, उसे अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार होना चाहिए उसे अच्छी शिक्षा देना, देना रेवड़ी नहीं है राष्ट्र निर्माण का काम है जो पचहत्तर साल में नहीं किया गया किसी ने नहीं, नहीं किया इस देश के अंदर कोई पैदा हो चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब हो उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिलना अगर वो बीमार होता है राष्ट्र निर्माण का काम है फ्री में इलाज मिलना लंडन इंग्लैंड इतना अमीर देश है वहाँ शिक्षा भी फ्री है वहाँ इलाज भी फ्री है वो इसको रेवड़ी नहीं बोलते वो फ्री शिक्षा इसलिए नहीं देते कि वो अमीर हैं वो अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने फ्री शिक्षा देने का निर्णय किया इस दुनिया के अंदर सैंतीस देश ऐसे हैं थर्टी सेवन कंट्रीज़ जहाँ पर फ्री शिक्षा दी जाती है वो थर्टी सेवन कंट्रीज़ अमीर देश इसलिए बने क्योंकि उन्होंने फ्री शिक्षा दी मैं इस देश के हर आदमी की गरीबी दूर नहीं करना चाहता मैं इस देश के हर आदमी को अमीर बनाना चाहता हूं और अमीर तब बनेगा जब हम उसे शानदार शिक्षा देंगे अच्छी शिक्षा देंगे उसका बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा डॉक्टर बनेगा वो मैंने दिल्ली में करके दिखाया अब इसको पूरे देश में करना है अपने को ये फ्री की रेवड़ी नहीं है फ्री की रेवड़ी जब बोलते हैं तो, तो जिस तो हाँ जस्ट एक मिनट फ्री की रेवड़ी जब इसको बोलते हैं एक तरह से ऐसे लगता है जैसे सामने बैठे गरीब आदमी का अपमान किया जा रहा है मिडिल क्लास वाले का अपमान किया जा रहा है इसे अपमान नहीं करना चाहिए इस तरह से सामने वाले का उसको कि जैसे ऐसे लग रहा है जैसे उसे भीख दी जा रही है लेकिन लालच भी तो अपमान देते हैं क्या ये लालच मैं यही चुनाव जीतने की बात करके दे दो ठीक है मैं करके दिखाता हूँ वोट लेने के लिए बोलना वोट लेने के लिए बोलेंगे कि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे हम आपके बच्चों को अच्छी मैं ये नहीं कह रहा तुमको टीवी देंगे मैं ये नहीं कह रहा मैं तुम मैं जो कह रहा हूँ वो बेसिक नेसेसिटीज हैं इस एक आदमी को जीने के लिए अच्छी शिक्षा देना फ्री की रेवड़ी नहीं है अच्छी शिक्षा देना राष्ट्र निर्माण का काम है जो सभी सरकारों को करना चाहिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसे एक नेशनल मिशन बना के पाँच साल के अंदर इस देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले ऐसा तंत्र हम खड़ा कर सकते हैं